जैसा कि आपने देखा कि मैं तालाब कट्टे के अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में एंटीजन का टेस्ट करवाया और अभी मुझे यहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब, क्या नाम है, डॉक्टर श्रीनिवास और डॉक्टर सैयद मुनव्वर ने अभी बताया कि मेरा टेस्ट नेगेटिव आया है। ये एंटीजन का है, आरटीपीसीआर का कम से कम 30 घंटे लगेंगे, उसको 30 घंटे ही मालूम होगा, तो इसमें डरने की बात नहीं है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जहाँ जहाँ तेलंगाना हुकूमत तरफ से अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर एंटीजन का टेस्ट हो रहा है, जाइए टेस्ट करवाइए ताकि आप अपनी जान को बचा सके, अपनी औलाद को, अपने ख़ानदान को, अपने महल्ले को, रियासत को महफूज रख सके। जैसा कि आप तमाम लोग ये बात जानते हैं कि पूरे मुल्क में और मुल्क की हर रियासत में, शहरों में बशमूल हमारी तेलंगाना की रियासत और शहर हैदराबाद में भी बड़ी तेज़ी के साथ ये कोविड वायरस फैल रहा है और कई लोगों की अमवात भी हुई हैं। इस सिलसिले में मैं बार बार आवाम से इस बात की इल्तजा कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि आप अपना टेस्टिंग करवाइए, क्योंकि हम टेस्टिंग करवाने से ही हम इस वायरस को रोक सकते हैं और उनका फौरन, अगर खुदा ना खास्ता किसी को मालूम होता है कि वो पॉजिटिव आए हैं, तो फौरन उनका इलाज शुरू किया जा सकता है और उनको सेहत भी हो सकती है और उन बल्कि हम उनकी जान को भी बचा सकते हैं। इसीलिए आज मैं खुद हैदराबाद पार्लिमानी हलके में चार मीनार यूनानी दवाखाने में जो तेलंगाना हुकूमत की तरफ से जो आरटीपीसीआर टेस्टिंग हो रही है, मैं आज वहाँ पर गया और ख़ुद अपना टेस्ट करवाया हूँ और साथ ही साथ तालाब कट्टे में जो आप देख रहे हैं कि अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, यहाँ पर एंटीजन का टेस्टिंग भी हो रही है, तो यहाँ पर भी आकर मैं यहाँ पर अपना एंटीजन का टेस्ट करवाया हूँ। साथ में मुखामी रुकने वल्दिया मोहतरमा नसरीन और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हमारे मेंबर उमर साहब भी थे, हम तीनों ने यहाँ पर एंटीजन का टेस्ट करवाया। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, चाहे आप शहर हैदराबाद या रियासत तेलंगाना में बैठकर इस वीडियो क्लिप को देख रहे हैं, कि आप फौरन अपना टेस्ट करवाइए। जहाँ जहाँ हुकूमत की तरफ से ये टेस्टिंग सेंटर्स है वहाँ पर जाइए, मुफ्त में, फ्री में आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट हो रहा है। हैदराबाद पार्लियामेंट हलके में एंटीजन की टेस्टिंग हो रही है कम से कम 25 अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पर, फौरन वहां पर जाइए। ख़ास तौर से मैं फिर से अपील कर रहा हूं, जो हमारी बहनें बेटियां हमिला हैं उनका टेस्ट करवाइए, जो हमारे भाई बहन बुज़ुर्ग डायलिसिस उनको करवाना है वो पहले अपना टेस्टिंग करवाइए, जिनको जो दिल के अमराज या कार्डियक प्रॉब्लम है वो टेस्टिंग करवाइए, कैंसर जिसको है वो टेस्टिंग करवाइए, जिनके लंग्स या फेफड़े कमज़ोर हैं वो टेस्टिंग करवाइए, जो लोग मोटे हैं ज़्यादा जिस्मानी वज़न ज़्यादा है तो उनका टेस्टिंग करवाइए। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये तमाम लोग पहले जाकर अपनी टेस्टिंग करवाइए और टेस्टिंग करवाने में कोई मायूब बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है अगर आप खुदा ना खास्ता पॉजिटिव आता है। मकसद एक ही है कि वायरस को कंट्रोल किया जाए। वायरस को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? टेस्टिंग से कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग से कर सकते हैं। जब बाहर निकलेंगे तो हम अपने चेहरों पर मास्क लगाएं और फौरन दवाखाने को अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को लेकर जाएं। ये अहम चीज़ों पर आपको गौर करना है और इस पर सख्ती से अमल करना है। सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखिए, गैर ज़रूरी अपने घर से मत निकलिए। अगर आपको किसी रिश्तेदार को बुखार, खांसी, जिस्म में दर्द है, वो सूंघने की सकत खो रहे हैं, मुंह का मज़ा ख़त्म हो रहा है, तो फौरन हिमाकत मत करिए, दवाखाने से रुजू होइए, टेस्टिंग करवाइए और उनका टीबी इलाज करवाइए। और साथ ही साथ मैं जानता हूं कि बहुत से बड़ी तादाद में गरीब अवाम हैं और इनके इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल है, किंग कोटी अस्पताल है, एरागड्डा में चेस्ट हॉस्पिटल है, नेचर क्योर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और अगर किसी पेशेंट को पॉजिटिव आता है तो गांधी अस्पताल में उनको शिफ्ट किया जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, गांधी अस्पताल में अगर हमारी कोई बहन या बेटी हामिला है और उनको कोविड पॉजिटिव आता है, तो आप फौरन टेस्ट कराकर वो रिपोर्ट को लेकर गांधी अस्पताल चले जाइए, वहाँ पर उनको एडमिट भी हो किया जाएगा। मैं मिसाल एक दे रहा हूँ आपको,
एक बीएस मख्ता इलाका है, चीफ मिनिस्टर के घर के सामने के इलाके, वहाँ पर एक हमारी तबस्सुम नामी एक बच्ची थी। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ने हाथ उठा दिया, इनकार कर दिया कि हम इलाज नहीं करेंगे। उनके वालिद बहुत परेशान हुए, फौरन गांधी अस्पताल लेकर गए, वहाँ पर उस बच्ची को एडमिट किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुबहाना ताला के फजल करम से हमारी बेटी ने वहाँ पर एक बेटी को जन्म दिया, अभी उसका इलाज हो रहा है। तो ऐसे कई वाक़ियात हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि जो गरीब अफराद हैं, टेस्टिंग करवाइए खुदा के लिए, ताकि उस रिपोर्ट की बुनियाद पर फौरन आपका इलाज शुरू हो सके।